शुभम, ये जो सवाल शुभम नहीं होता, शुभम निकल गए। नहीं, शुभम है शुभम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। शुभम आ गए, तो शुभम आ गए हैं। मैं सर बाहर हो जाऊं, शुभम को आप ले लीजिए अंदर। अच्छा ठीक है। तो नागेंद्र जी है ना, नागेंद्र जी हैं और न्यूटन भी हैं। और तो स्वाद आ गया है, वो आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक सेकेंड खाली नागेंद्र जी, ये जो सक्सेसर प्लान जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, जिसमें अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि कोई अगर प्रवक्ता भी वो भेजें, एक डायलॉग डिस्कोर्स शुरू हो, तो कोई दुश्मन नहीं है। और आप लोगों ने कई बार ये ऑफर दिया भी है सर सहारा को, लेकिन सहारा तो कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, तभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी मालिक कौन है सहारा का? एक फिल्म का डायलॉग था, बड़ा बड़ा डायलॉग था, थोड़ा सा हंस लीजिए, बहुत तनाव हो जा रहा है हमारे बीच। आज सतीश को नहीं है, उन्हीं का था कि मेरी फिल्म बनेगी कैसे, डायरेक्टर का पता नहीं, हीरो का पता नहीं, हीरोइन कह रही कि हम पूरे कपड़े पहनेंगे तो मेरी फिल्म बनेगी कैसे। आज सहारा इंडिया का स्थिति वैसे ही है। NI चालू होने वाला है, NI बंद हुआ क्यों था, जिस काम के लिए NI बंद किया गया था, क्या वो काम पूरा हो गया? NI तो इसलिए बंद हुआ था कि इन्होंने भुगतान नहीं किया, कंप्लेन हुआ तो इनका NI बंद कर दिया गया। तो क्या सबका भुगतान हो गया कि NI खुल जाएगा? ऑफिस खुलने वाला है, ढोंग यही लोग मचाए, हम लोगों ने कहा खोलो, रोकता कौन है? अब कह रहे हैं कि ऑफिस नहीं खुलेगा, पोर्टल से भुगतान होगा। कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान सपना का माथे का कलंक मिटाने के लिए लिया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये लोग कहते वही तो पूरा करना, हम लोग कहने का तो जरूरत नहीं है। हम लोग सब लोग लड़ रहे हैं अपने पैसे की लड़ाई। आपके चैनल पर ही सज्जन कनाई जी बोल करके गए थे, आप भी उस दिन लाइव में, कि हम स्पोक्समैन का लेटर लेकर के आ रहे हैं, आज तक नहीं लेकर के आए। बाकी जो कमिटमेंट किए वो नहीं आए। सहारा इंडिया में एक शब्द बोला जाता है सर, बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्द कभी आता ही नहीं है। सहारा श्री जो जिंदा थे, जिससे कि सबको उम्मीद था, कि कंपनी का एक वही ऐसा शख्स थे जिनको लोग सब लोग दिल से इज्जत करता था। आज भी चाहे कितना भी ये हुआ, लेकिन मन से वो चीज नहीं उतरता है जो उनके साथ में मिलना जुलना बातें करना जो भी चीजें हुआ है, बिलीव नहीं होता कि कोई व्यक्ति कैसे अपने लोगों को साथ इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने उन पर भरोसा किया था ना, जब वो बोले कि मार्च 2021 तक हम भुगतान करेंगे, हम लोगों ने माना। फिर कहे कि नहीं, कोरोना आ गया, प्रॉब्लम आया, सितंबर 2021 तक सबका हो जाएगा, हम लोगों ने माना। कहां हम लोग में गए थे? जब सब दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, तो फिर हमारे लिए दो ही दरवाजे खुले थे, या तो हम आपके गले लगा लें या हम अपने पैसे के लिए लड़ें। सहारा आज सहारा वर्ल्ड बन जाए, चाहे सारा ब्रह्मांड बन जाए, अपने को क्या है, भगवान के क्यों बन जाए? अपनी लड़ाई पैसे के लिए है, हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। आज पैसे न मिलने के चलते क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है कि इस देश में 5,000 से 7,000 मौतें हुई? आज लोग पाई पाई को तरस रहे हैं, क्या पूजा त्योहार कैसे बीतता है हम लोगों का, वो हम ही लोग जानते हैं। और सहारा इंडिया बदले में क्या कर रही है, रोज नया नया नीत, जितना मेहनत करना चाहिए था भुगतान करवाने, उतना मेहनत ये लोग कर रहे हैं कि भुगतान कैसे नहीं दिया जाए, और एक नया नया सिग्नीफायर रोज छेड़ा जाए, रोज छेड़ा जाए। अभी मैं थोड़ा सा यथार्थ पर आ रहा हूँ, हालांकि शुभम जी हैं तो बहुत अच्छे से बता ही रहे हैं, लेकिन मैं मोटी भाषा में कह रहा हूं। 3, 4, 5 की जो बातें हुई है, 5 तारीख वाला में यही ना हुआ है? अभी तो सोसाइटी का बात वहां उठा ही नहीं कोर्ट में। अभी तो जो 2012 का जो ऑर्डर था 25,000 रुपया सोसाइटी सेवी के यहाँ पूरा करने का, अभी तो सारा मामला वहीं पे है। उसमें 10,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया है, उसके लिए सारा बात हुआ ज्वाइंट वेंचर करने का और उससे पैसा लाने का और उसको 10,000 करोड़ जमा कराने का, पहले उस केस को क्लोज करने का। अभी तो उसी पर मामला लटका हुआ है, अभी तो हमारा मामला खुला ही नहीं है कि हमारा पैसा क्यूसोप में है, हमारा क्या नाम है सोसाइटी में है, हमारा कमर्शियल में है, अभी तो हमारे बात ही नहीं खुला है। अब स्थिति यह है,
कि सारा इंडिया 25,000 करोड़ रुपया के गोल चक्कर में जिस तरह से आज 12 साल से हम लोग को घुमाते रह गया, 15,000 करोड़ दे करके और ब्याज समेत कहा कि हम 25 दिए। अभी एक बात आप कह रहे थे सर कि कपिल सिब्बल जी वहां पे झूठ कैसे बोल दिए, इसमें कपिल सिब्बल का क्या, कपिल सिब्बल तो उसी काम के लिए पैसा लेते हैं, झूठ तो सहारा इंडिया ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में कि हमने अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया। आज जो भी सहारा के पक्ष में है दिल पे हाथ रख के कहें क्या रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भुगतान हो गया था? कल जब उसकी बात आप कह रहे हैं कि भुगतान हो गया जबकि भुगतान वास्तव में हुआ नहीं, तो कल आप ये भी कह सकते हैं कोऑपरेटिव का भुगतान हमने कर दिया, क्या भुगतान हो रहा है? आज 50,000 अगर मिल भी रहा है कितने लोगों को, कितने लोगों को मिला? अभी हम लोग आईटीआई लगाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा आरटीआई में। तो इन लोग का काम केवल झांसा देना रह गया, इसीलिए हमने इसका नया नामकरण भी कर दिया कि सहारा वर्ल्ड जो बन रहा था ये सहारा वर्ल्ड नहीं, इसको झांसा इंडिया नाम दे दीजिए, केवल ये झांसा ही देना जानता है। अब रह गया सोल्यूशन वाली बात, हम आपस में कितना भी डिबेट कर लें कितना भी ये कर लें, लेकिन हम लोग को वास्तविक में सोल्यूशन की ओर ही जाना होगा जिससे अपने जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। सारा इंडिया लगातार झांसा देने का चक्कर में लगा हुआ है, जो कहता है वो करता नहीं है, कभी दिसंबर कभी मार्च कभी जनवरी, ये तारीख के चक्कर में हम लोग आज 8 साल 10 साल से गुजार दिए। आप पिछला 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि ये लोग कितना झूठ और कितना झांसा दिए हैं। तो हम लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं सर, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता है नहीं बचा हुआ। थोड़ा सा संजीवनी इसलिए हम लोग को मिल रहा है कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का घोषणा कल हो गया है, और इस देश में सबसे ज्यादा अगर सहारा पीड़ित लोग हैं तो झारखंड और तो काफी है और महाराष्ट्र भी है, बाकी तो लोग हैं ही। तो सरकार को भी थोड़ा डर बना है कि हमको महंगा पड़ जाएगा, और इसके लिए सरकार कुछ को कदम कुछ उठाना बाध्यता भी बन गया है, क्योंकि नेता अपने बाप का भी नहीं होता, उसको कुर्सी से मतलब होता है, अपने कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। कल का जो ईडी का रेड है हमको लगता है कि उसी का एक ये है, ईडी का रेड पड़ा। दूसरी चीज जिस पर हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार ने एक आईए फाइल कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा के जितने भी केसेस चल रहे हैं उसको बंद कराने के लिए और उसको खत्म कराने के लिए कि केवल केस चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। लेकिन जैसा कि आंशिक जानकारी मुझे लगा है, हालांकि हमारे वकील साहब दिल्ली गए हुए हैं तो एक दो दिन में हमको सर्टिफाई कॉपी मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग सर्टिफाई कॉपी निकाले हैं, उनसे मेरी बात हुई कल, तो उनका कहना था कि ये तो सहारा का फेवर में नहीं है, सहारा का खिलाफ में आइए है, सहारा के खिलाफ आइए। हालांकि वो जो आईए लगाने का जो हेडिंग दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ उसको देख करके हम लोगों को लग रहा था कि सहारा के पक्ष में जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ आइए है कि जो केस जहां जैसे चल रहा है वो केस वैसे ही चलेगा, और 5 लाख के ऊपर वाले जितने जमा करता है वो अपनी कार्रवाई और तीव्र करें कि ताकि अपना भुगतान ले सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि जो केस जहां जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई आईए फाइल कर दे उस तरह का, हालांकि उसकी सर्टिफाई कॉपी आ जाने दीजिए, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो हमने 6,000 करोड़ नहीं, ये अप्रिहेंशन तो हमने उसी दिन कहा था, उसी दिन जब आप लोग ये कह रहे थे उसी दिन हमने कहा था कि नहीं ये तो अजीब प्रकार का ये इंटरवेंशन है, ये गलत है, हो ही नहीं सकता। और उसके लिए भी सारा इंडिया बोल पीट रहे थे कि हमारे लिए फेवर में आ रहा था, ये फेवर में आज ईडी का रेड पड़ा है ना, अभी झारखंड पुलिस भी तैयारी कर रही है, हो रहा हो सकता है कि दीपावली के पहले एक बहुत बड़ी टीम झारखंड से भी जाए सबको उठा के लाने के लिए, जिसको जिसको हम लोगों ने आरोपित बनाया है उसमें वो तमाम लोग हैं, नीरज पाल से लेकर के सभी लोग जो झारखंड को लूट करके जाकर छुप के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ सीआईडी का और पुलिस विभाग का टीम बन रहा है, नोट सम्मन जा रहा है, और इस सम्मन पर ला तो पकड़ के लाने वाले हैं लोग, और बाकी लोगों के साथ भी क्या क्या होगा वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। जी सर, शुभम जी, नेटवर्क इशू है थोड़ा, हम आउट हो जा रहे हैं इसीलिए। शुभम बोलिए जरा, ये ईडी का छापा क्यों पड़ा है, ईडी का छापा क्यों पड़ा है?